जातीय जनगणना के मसले पर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम से मिलने का वक्त मांगा है, जबकि बीजेपी असहज स्थिति में नजर आ रही है। जातीय जनगणना पर तेज हुई जंग, सीएम ने लिखी पीएम को चिट्ठी। जातीय जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार की मुखर आवाज ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस मसले पर पीएम को चिट्ठी भी भेज दी है। चिट्ठी में उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। मैंने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि जिस संतोष मांझी से कल पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए स्थिति असहज करने वाली है और बिहार बीजेपी के नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनगणना तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में है और इस संबंध में केंद्र सरकार का केंद्र सरकार इसको किस रूप में लेती है और ये कई चीज़ें हैं जो अभी केंद्र सरकार के अधीन हैं, और जब केंद्र सरकार का निर्णय होगा तो उस आलोक में फिर हम सब देखेंगे इसको। चिट्ठी जो है, चिट्ठी सीएम का पीएम को है, पीएम सीएम के बीच की बात में हम लोगों को क्यों डाल रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय मंत्री, गृह मंत्री, केंद्र सरकार ने तय किया है जो अनुसूचित जात को छोड़ के बाकी को जातीय जनगणना नहीं करेंगे, तो अनुसूचित जात का हो रहा है, अनुसूचित जात जनजात का। वहीं जेडीयू के साथ कांग्रेस भी कह रही है कि यह किसी एक दल की मांग नहीं है, पूरे बिहार के विकास का सवाल है। ये मामला पूरे बिहार का है और सर्वदलीय सर्वसम्मति से हो रहा है, ये कोई एक दल के चाहने से नहीं हो रहा है। जैसा लगता है मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेतागण है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद बाकी हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे वो अभी चले, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना से केंद्र सरकार इनकार कर चुकी है, लेकिन एनडीए के सहयोगी जेडीयू समेत बाकी दलों को भी जातीय जनगणना में अपना वोट बैंक मजबूत करने का अच्छा अवसर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।